हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉकिंग सेपियन। और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। एंड प्लीज गाइस, वन फेवर आई वांट यू टू डू इज प्लीज सब्सक्राइब। एवरी सब्सक्राइबर आई गेट ना, इट्स अ बिग बूस्ट टू मी। आई फील लाइक मेकिंग मोर वीडियोस जस्ट बाय यू सब्सक्राइबिंग। एवरी सब्सक्राइबर काउंट्स टू अनदर लेवल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो। सो आर्टिकल 370, उसकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली मैं बात करने वाला था प्रिवेलेंट कंडीशंस इन कश्मीर एंड हाउ दे आर बैड। बट ये सब होने से पहले हमें थोड़ी हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट नो रियली व्हाट वी आर टॉकिंग अगेंस्ट। एक क्या हिस्ट्री है कि मतलब क्या था क्या नहीं था, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि क्या था उस टाइम और उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी नो द हिस्ट्री फर्स्ट। नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव इशू। वहाँ पे क्या क्या हुआ, मतलब क्या टर्मोइल हुआ, क्या फाइट हुई, कश्मीरी पंडित्स का इशू, फिर आर्टिकल 370 का रेवोकेशन हुआ। सो मेनली आई एम गोना टॉक अबाउट थ्री पार्ट्स इन दिस वीडियो, विच इज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हाउ इट केम टूवर्ड्स इंडिया, द इशू विद कश्मीरी पंडित्स, एंड द सिमिलर सिचुएशंस। लाइक जैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है, वहाँ पे दुनिया भर में भी ऐसे कई कंट्रीज है जिनको स्पेशल स्टेटस है। द स्टेट्स अलोंग द बॉर्डर विद मेजर मुस्लिम मेजॉरिटी बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और जिसमें हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी वो इंडिया के अंदर आ गए। नाउ स्टेट्स अलोंग द बॉर्डर हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। नाउ व्हाट सेल्फ डिटर्मिनेशन इज दैट, उनको राइट है कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी डेस्टिनी क्या है, उनका इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट ये सब कैसे करना है। दीज आर द पॉइंट्स विच द स्टेट डिसाइड्स अलोंग द बॉर्डर, दे हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो इन 1947 ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस देयर वर मेनी इशूज लाइक हैदराबाद, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी पर उसका रूलर निज़ाम का था, एंड द निज़ाम वॉन्टेड इट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो विद इन इंडिया, इन द हार्ट ऑफ इंडिया, हम ऐसे नहीं रख सकते कि उनको पाकिस्तान का पार्ट बना दे, हमारी सिक्योरिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने आर्मी से अटैक किया वहाँ पे, एंड वी टुक ओवर हैदराबाद। नाउ द प्रॉब्लम केम व्हेन इट केम टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका रूलर हिंदू था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। रूलर का नाम था महाराजा हरी सिंह, एंड जम्मू एंड कश्मीर नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ पाकिस्तान। उनको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, एंड गेस हु गॉट कश्मीर टू अस, हु इज ही, द विलन ऑफ इंडिया राइट नाउ, जवाहरलाल नेहरू। इफ नॉट फॉर जवाहरलाल नेहरू, कश्मीर वुडंट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट वॉट पाकिस्तान डिड वॉज दे सेंट मलेशिया एंड टू कश्मीर, एंड इंडिया उस टाइम में उन्होंने हेल्प किया कश्मीर को कि वी सेंट ऑल दोज मलेशिया आउट ऑफ कश्मीर। सो इंडिया हेल्प्ड जम्मू एंड कश्मीर इन दिस केस। बट देर वॉज अनदर लीडर हु वॉज कमिंग अप देयर, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कन्विंस किया दैट मेक कश्मीर अ पार्ट ऑफ इंडिया, that we will give you your special status, like you come to us, we will provide you with defense, communication and foreign affairs. So with these three things, Jammu and Kashmir was binded to us. और यही reason है कि Jammu and Kashmir India का part हो गया, उसके पहले वो नहीं था। और ये बात भी clear कर लो कि on 15th August 1947, Jammu and Kashmir India का part नहीं था। Jammu and Kashmir became a part of India on 26th October 1947, more than 2 months later. क्योंकि ये deal हमने उनके साथ strike की कि हम मतलब आपको special status अब देंगे। Now understand this, that जवाहरलाल नेहरू was a कश्मीरी पंडित, so ये कश्मीर उसके लिए बहुत करीब था। Even सरदार वल्लभ भाई पटेल, he was okay with not getting कश्मीर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक थे कि कश्मीर हमारे पास नहीं आया तो चलेगा, बट इफ नॉट फॉर जवाहरलाल नेहरू, जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ वुडंट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। ही इज द गाय वी अब्यूज राइट नाउ। इतनी गालियां दी जवाहरलाल नेहरू को कि मतलब उसको तो पूरा विलन ही बना दिया है। इट इज लाइक सेइंग हिटलर जूस का चैंपियन था, नहीं। So we have to get this thing clear in our head that what we talk about, the right over Kashmir we have, you know, it is ours only. So this concept we have to get out. That is why I am telling you this history. क्योंकि हम उसको right बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि history उसकी बहुत ही अलग है. And similar type of special status is there throughout the world. Like countries have special status. Like now Hong Kong is a part of China, but it has a special status. England ne Hong Kong China ko de diya in 1997, saying that, you know, hum aapko de rahe hain
पर इनको ये स्पेशल राइट्स रहेंगे. इट्स नॉट लाइक चाइनाज रूल्स आर गोना अप्लाई ओवर हियर इन हांगकांग. दे विल हैव देयर ओन स्टेटस. चाइना ने वापस ट्राई कर किया उसको टेक ओवर करने के लिए बाद में, और राइट्स चालू हो गए. वो इसी वजह से चालू हो गए कि दीज पीपल चाइना ट्राइड टू एंटर इन टू हांगकांग विदाउट देयर कंसेंट. नाउ सिमिलर थिंग हैपेंड विद ग्रीनलैंड. यूएसए वॉन्ट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड. दे उनको खरीदना है ग्रीनलैंड, खरीदना है. बट नाउ ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. सो ट्रंप वांटेड टू बाय ग्रीनलैंड. सो द डैनिश प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ग्रीनलैंड इज ग्रीनलैंड, इट इज नॉट डैनिश. सो व्हाट शी मींस इज दैट ग्रीनलैंड इज द पीपल ओवर देयर. Former foreign minister of Denmark also said the same thing, that if USA takes over Greenland, like लोगों की independence खतरे में आ जाएगी, वो मिलिट्री वहाँ पे डालेंगे तो उनका ऑटोनॉमस जो स्टेटस है वो निकल जाए. इंडिया के स्टेट्स में भी देर अंडर वेरियस आर्टिकल्स देर आर मैनी प्रोविजन्स फॉर मैनी स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. इन सबको कुछ ना कुछ तो स्पेशल स्टेटस है. ऐसे नहीं कि सब दूसरे स्टेट्स मतलब ऑल अंडर इंडिया पर उनको कुछ स्पेशल राइट्स नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब जो स्पेशल राइट्स है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लो एक बार. पर ये सब होने के बाद लोग पूछते हैं व्हाट अबाउट द कश्मीरी पंडित्स. नाउ कश्मीरी पंडित्स इज अ ट्रम्प कार्ड प्लेड बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल. लाइक इन दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्टिकल 370 रेवोकेशन, ये जो कश्मीरी पंडित्स का इशू उसमें लाया जा रहा है वो गलत है. कश्मीरी पंडित्स का इशू बहुत ही वाहियात था. इट इज कंडेमेबल, इट यू शुड क्रिटिसाइज इट. बट आर्टिकल 370 एंड कश्मीरी पंडित्स, दीज आर टू डिफरेंट इशूज. यू शुडंट कंबाइन दीज टू इशूज. एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू गेट इट क्लियर दैट द कश्मीरी पंडित इशू वॉज जस्ट नॉट अ कम्युनल इशू. देयर वर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स ऑन व्हाई एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैड हैपेंड. कश्मीरी पंडित्स वर स्टेइंग इन कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम. And in 1990, what basically happened that might have, you know, triggered only communal violence? There were a variety of factors, like the population of Kashmiri Pandits has been very less, around a few lakhs or so. And they were the rich class in Kashmir. And the majority of the Muslim population was poor. So there was this class difference which was there. Then the other issue was the rising unemployment happening there. And then Pakistan was trying to interfere instead and trying to separate and starting the separatist movements in Kashmir. So communalism was one part of it, definitely, but that was not the only factor why this happened. You should get this clear. और कश्मीरी पंडित्स के साथ बहुत ही बुरा हुआ. मतलब उनके विमेन रेप हुए, लोगों को जला दिया, मार दिया. यू कंबाइनिंग आर्टिकल 370 रेवोकेशन विद कश्मीरी पंडित्स इज नॉट जस्टिफाइड. इट इज लाइक नाउ व्हाट इफ अ सुपर पावर लाइक चाइना और यूएसए टेक ओवर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया ने अपने ट्राइबल्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया नियर नर्मदा. दे वर हरास्ड, दे वर बुलीड एंड दे वर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर एंड सेंट टू अदर प्लेसेस. और चाइना टेक्स ओवर द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज वी डिडंट ट्रीट आवर ट्राइबल्स राइट देयर. इट इज नॉट जस्टिफाइड. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द कश्मीरी पंडित्स एंड वी शुड, दैट इज गुड. But we never talk about the tribals in India and how much harassment they have faced and how much atrocities they have faced. Kashmiri Pandits is a trump card only when it comes to the Jammu and Kashmir issue. Otherwise, we don't talk about the Kashmiri Pandits. We use it as a communal hatred towards Muslims in Kashmir, which is not right. What happened to the Kashmiris was extremely sad and condemnable event. But when we talk about Kashmir, we should leave aside the Kashmiri Pandit issue. We just didn't want Kashmir. We also wanted the Kashmiris. हम ये प्रोसेस में भूल जाते हैं कि कश्मीर एक लैंड है, पर हमें कश्मीरीज भी चाहिए. इसीलिए आर्टिकल 370 was implemented that the Kashmir and Kashmiris become a part of India. And this is the reason why Jawaharlal Nehru went that extra mile to get Kashmir in India, because he was a Kashmiri Pandit. Kashmir is literally like sand in India's hand. Like, hum jitna usko grip karne ki koshish karenge, wo itna bahar nikalte jayega. And between this issue of Pakistan ko Kashmir chahiye, India ko Kashmir chahiye, this whole process mein we forget that what Kashmiris want. Don't the crores of life over there matter? If we wanted to take over Kashmir, we would have taken it by force. We had that capacity. But is that how India functions? क्या ये ideologies थे अम्बेडकर, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के, कि by force हम ले लेंगे? We wanted to win them over with love. इसीलिए हमने उनको इंडिया में लाया with a little bit of freedom.
और थोड़ा सा बाइंडिंग के साथ कि somehow they stay binded to us. Like Tibet को भी autonomous status था चाइना में से, पर ultimately क्या हुआ, चाइना ने take over कर लिया Tibet को. हमने चाइना को कितनी गालियां दी, तो हमें कम्युनिस्ट होना है चाइना के जैसे? नहीं, हम उनके कम्युनिस्ट पॉलिसीज को हमेशा गालियां देते हैं, पर हम यहाँ पे ये जब होता है atrocities तो हम उसको सपोर्ट करते हैं. तो होपफुली आपको समझ आ गया है कि what is the history of Kashmir, how it came to India, what does that autonomous status mean to the people of Kashmir, what you think about the Hinglish in this video, let me know on a scale of 1 to 10 again. So this was the end of first part. I'm going to make two parts in this. So guys, wait for the second part. Thank you everyone for watching the video. See you guys in the next one. Bye bye.